और IIT रुड़की के भारतीय जल संसाधन विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया और 3 दिन तक चलने वाले इस सेमिनार में 30 देशों के 300 से अधिक विशेषज्ञ ने भाग लिया और सेमिनार में जल आपूर्ति, जल प्रबंधन, आपदा प्रदूषण सहित कई मुद्दों पर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। IIT के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में छात्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी क्योंकि छात्र देश का भविष्य है और वहीं इस मौके पर अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यह कॉन्फ्रेंस हम लोग IWRS जो हमारी एक सोसाइटी है उसके 45 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि फ्यूचर में वाटर की उपलब्धता कैसे रहेगी और हमें किस हिसाब से वाटर का उचित प्रबंधन करना है जिससे कि हमारी फ्यूचर में या भविष्य में पानी की कमी ना हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जनसंख्या तो बढ़ रही है पर और हमारे कई वाटर सोर्स विलुप्त भी हो रहे हैं। तो यह एक बड़ा ही सोचनीय विषय है कि हमारे जो जल की उपलब्धता है वो बराबर बनी रहे और जिससे कि हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको पानी मिलता रहे।